हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका द माइनस प्लस पे। मैं हूं नवनीत और आज हम लोग बातें करने वाले हैं संख्या के बारे में, नंबर्स के बारे में, कि संख्या को कैसे कैसे बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, किस तरह से बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, वो क्या, अभी आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, उसका आप स्क्रीन शॉट ले लो या अगर संभव हो तो आप अपने कॉपी पर लिख लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको लिख लोगे, जो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा कि संख्या को बांटा गया है, वो संख्या को रियल नंबर में, फिर इमेजिनरी नंबर में, उसके बाद वास्तविक संख्या को रेशनल इरेशनल में, फिर रेशनल को दो भागों में बांटा गया है, फ्रैक्शन और इंटीजर में, फिर इंटीजर को दो भागों में बांटा गया है, निगेटिव और होल नंबर में, फिर होल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, जीरो और नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ना, इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और अगर संभव हो तो अपने कॉपी पर भी लिख लो, क्योंकि अभी जब हम आपको बारी बारी से बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसको किस तरह से बांटा गया है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आज हम सभी संख्याओं के बारे में बात करेंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो भी जितनी भी संख्याएं आपने सुनी है सभी के बारे में बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का जो है वो शुरू करते हैं। संख्या जो है, संख्या जो भी आपने अभी तक किसी भी मैथ के बुक में या कहीं भी जो नंबर्स आपने देखा वो सभी संख्या है। एग्जांपल के लिए अगर कहा जाए, अगर एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, तो देखिए 0, 1, -3, -7, 22/7, पाई एक्सपोनेंटियल या √2, √3, √5, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, ये जो भी है यही सब भी चीज जो है यही सब संख्या है, ठीक है। ये सभी संख्याएं हैं जो आपने अभी तक बुक्स में देखा है, ठीक है। तो उसी संख्या को पहले दो भागों में बांटा गया है, वो क्या, देखिए जो भी नंबर्स है उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो है ये टोटल 10, ये डिजिट्स हैं और अंक बोलते हैं इसको हिंदी में। इसी की सहायता से हम लोग संख्या बनाते हैं, जैसे देखिए 2 और 1 से हम लोग 21 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं, 1 और 0 से हम लोग 10 बना सकते हैं या फिर 1 बना सकते हैं, तो ये सभी जो है संख्या है। या 22/7 बनाएंगे तो 2 और 7 की सहायता से 22/7 बना लेंगे, तो ये जो टोटल 10 है, 10 डिजिट्स है जिससे हम लोग संख्या बनाते हैं, संख्या बन गया। तो अब संख्या बहुत प्रकार के होते हैं, तो कैसे बांटा गया है वो आप लोग ध्यान से देखिए। संख्या को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया, संख्या को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है, पहला रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, दूसरा इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक और काल्पनिक ये क्या है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए वास्तविक संख्या वो है जो दुनिया में है, और काल्पनिक संख्या वो है जो है नहीं, उसकी सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। कैसे वो भी हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसकी कल्पना करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -1, अगर रूट के अंदर कोई निगेटिव संख्या हो, रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव संख्या है तो वह काल्पनिक संख्या होता है। कैसे वो हम बताएंगे अभी, पहले आइए वास्तविक संख्या पे। जो भी काल्पनिक संख्या है उसको छोड़कर बाकी सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। रूट के अंदर जो निगेटिव संख्या होता है वो तो काल्पनिक होता है, उसको छोड़ के जो काल्पनिक नहीं है, वास्तविक का अगर उदाहरण पूछा जाए तो जो संख्या काल्पनिक नहीं है वे सभी वास्तविक संख्या हैं, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या है, माइनस में हो सकता है, भिन्न के रूप में, 0, 1, √2, π, एक्सपोनेंटियल, और पाए, ये सभी जो है ये वास्तविक संख्या है, और ये रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -1, ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या ये इसलिए है क्योंकि इससे पहले जब हम वर्ग और वर्गमूल बता रहे थे तो हम बताए, देखिए जैसे रूट के अंदर 4 है, ठीक है, तो रूट अंडर 4 बराबर क्या होता है, 2। 2 क्यों होता है, क्योंकि रूट 4 है, इसका मतलब 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2 करते हैं तो 4 आता है, इसलिए 2 हमारा आंसर हो जाता है। रूट के अंदर 4 है इसका मतलब 2 हुआ आंसर। अब देखिए 2, 4 बराबर 2 गुना 2, लेकिन अगर कोई संख्या माइनस में है, कोई संख्या माइनस में है, यहाँ पे 4 था तो 2 गुना 2 कर दिया, अगर -4 होता, मान लीजिए -4 होता, तब हम क्या इसका आंसर कैसे निकालेंगे, अगर 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, -4 तो नहीं आएगा।
एक पॉजिटिव लेना होगा, एक नेगेटिव लेना होगा, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग वर्गमूल में क्या होता है कि सेम संख्या से गुना करना पर आना चाहिए। यदि एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होना चाहिए, तो अगर माइनस टू गुना माइनस टू करेंगे तो प्लस फोर आ जाएगा। तो ये संभव ही नहीं होगा इसका हल निकालना, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर में अगर फोर है तो टू आ गया, लेकिन अगर माइनस फोर है तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर माइनस चार आता है? तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको उसी से गुना करने पर माइनस चार आता हो। अगर ऐसी कोई संख्या नहीं है तो मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसे कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको उसी से गुना करे और माइनस चार आ जाए या नेगेटिव में आ जाए, तो वैसी संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अब देखिए, ये रियल नंबर हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गया, इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। अब इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है, इमेजिनरी नंबर यहीं खत्म हुआ। अब रियल नंबर जो है, ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर को बांटा गया है दो भागों में। रियल नंबर को बांटा गया है दो भागों में, एक बांटा गया है रेशनल में, दूसरा इरेशनल में। वास्तविक संख्या को देखिए, इमेजिनरी नंबर यहीं से खत्म हो गया, ये अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो रियल नंबर है इसको दो भागों में बांटा गया, रेशनल परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। देखिए वो वहीं खत्म हो गया, रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब चलिए हम इसको समझते हैं कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, इसको दो भागों में बांटा गया, पहला रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या और रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान से देखो। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए p कोई संख्या है, q भी कोई संख्या है, लेकिन q कोई भी संख्या है लेकिन जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो। ध्यान से सुनिएगा कि p के जगह पे आप कुछ भी दे सकते हो, q के जगह पे भी कुछ भी दे सकते हो, जीरो के अलावे अगर ऐसी संख्या है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, ध्यान से सुनिए, जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके। एग्जाम्पल देखिए, माइनस नौ, माइनस सात, बाईस बटा सात, जीरो, एक, सात इत्यादि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना अभी, सत्रह, सत्ताईस, छत्तीस, निन्यानवे, ये सभी परिमेय संख्याएं। क्योंकि देखिए माइनस नौ है तो माइनस नौ को माइनस नौ बटे एक लिख देंगे तो माइनस नौ हो गया, पी बराबर हो गया माइनस नौ, और नीचे क्यू बराबर वन हो गया। तो पी बाई क्यू के रूप में माइनस नौ को लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में एक देंगे तो कोई फर्क नहीं आता है, और q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो q बराबर एक है अपना, जीरो नहीं है, तो लिख सकते हैं। 22 बटा सात देखिए, जहाँ पर p हो गया 22, q हो गया 7, तो ये तो ऑलरेडी p बटे q के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पर अपना निचला हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, अगर आप नीचे में जीरो देते हो, किसी भी संख्या को जीरो से भाग देते हो तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाता है। किसी भी संख्या को अगर आप जीरो से भाग देते हो तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है मतलब, ठीक है। तो जीरो से भागा नहीं दे सकते हैं, हर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो तो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में माइनस नौ, माइनस सात, बाईस बटा सात, जीरो, एक, सात। अब ये बाईस बटा सात जो हम एग्जाम्पल में लिए हैं, इसके पीछे वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं, सत्ताईस बटे सत्रह ले लो, कुछ भी, ये सभी परिमेय संख्या है। बाईस बटे सात लिए हैं क्यों, अभी हम आपको बताएंगे, पहले अपरिमेय बताते हैं, इसी से रिलेटेड है। इसलिए अगर परिमेय ये सब हो गया तो अब आपके दिमाग में अपरिमेय आ ही नहीं रहा होगा, क्योंकि कोई भी संख्या आप सोचो उसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो। सत्रह है, परिमेय है, सत्रह बटे एक, ठीक है। अब कोई भी संख्या आप सोचो, माइनस में हो, जीरो हो, जीरो परिमेय है, ऊपर में जीरो हो सकता है, जीरो बटे एक, क्योंकि जीरो में एक से अगर भागा देंगे तो जीरो हो जाएगा। हर जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। परिमेय आप समझ चुके हो, अपरिमेय समझिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो
अपरिमेय का एग्जाम्पल है, एक है पाई, एक है ई। ई एक्सपोनेंटियल होता है, इसका यूज होता है, वो जो ग्राफ बनाते हैं वो क्या होता है उसमें यूज होता है, ठीक है। ई एक्सपोनेंटियल ग्रोथ कांस्टेंट है, और पाई जो है ये जहां सर्किल आता है वहां पर पाई आता है। पाई की वैल्यू 3.14159 और ये अनंत तक जाता है। पाई की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे करेक्ट। हम लोग यूज करते हैं 22/7। देखिए पहले समझिए अपरिमेय है क्या। अपरिमेय वैसी संख्या है जो परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब उसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है ये देखिए। देखिए दशमलव के बाद, देखिए दशमलव के बाद देखिए 3.15 है अगर, तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तीन दशमलव को उड़ा देंगे, बट्टे नीचे 100 दे देंगे, ये तरीका है। तो 315/100 हो गया। तो इस तरह अगर दशमलव में हो तो दशमलव हटा के भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। या फिर अगर ऐसा हो 3.15151515 ऐसा हो तो इसको लिखते हैं 3.15 ऊपर में ये रेकरिंग दे देते हैं, इसको भी हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। एक तरीका है जो हम बाद में बताएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इसको भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए ये दूसरा प्रकार हो गया दशमलव का। अब ये जो है दशमलव के बाद देखिए 14159, मतलब ना तो कोई संख्या रिपीट कर रहा है। देखिए 3.14 पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल क्या था 3.15151515 इस तरह से। देखिए अगर दशमलव के बाद ना तो इस तरह से फिक्स हो और ना कोई संख्या रिपीट करता हो, जैसे यहाँ पे देखिए 1515515 रिपीट कर रहा है, अगर इस तरह से नहीं हो, इस तरह से हो मतलब 3.14159 ये बढ़ते ही जाएगा, ना तो रिपीट करेगा ना कहीं पे जाके ख़त्म होगा, जैसे ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, अब इससे आगे नहीं है और ये बार बार रिपीट कर रहा है। इस दोनों कैटेगरी में नहीं हो मतलब ये आगे बढ़ता ही जाए अनंत तक, इसकी जो वैल्यू है वो हमको पता ना चले, इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हम लोग। तो इसको भिन्न के रूप में, और ये भी देखिए 2.71828181 और ये आगे बढ़ता ही जाएगा, रिपीट नहीं करेगा, ना तो रिपीट करेगा ना खत्म होगा। तो इस तरह की संख्या को अपरिमेय संख्या बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाए है अपरिमेय संख्या और 22/7 है परिमेय संख्या, और हम लोग पाए बराबर 22/7, पाए इज इक्वल टू 22/7 यूज करते हैं। जब पाए अपरिमेय है तो 22/7 परिमेय कैसे हो गया, इसलिए 22/7 हम लिए हैं कि आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए 22/7 परिमेय है लेकिन पाए अपरिमेय है, ऐसा इसलिए क्योंकि 22/7 पाए की वैल्यू नहीं है, पाए का लगभग मान 22/7 है। ओरिजिनल मान तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये अनंत तक जाएगा और ना तो कटेगा ना ही रिपीट करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। हम लोग लगभग 22/7 यूज करते हैं जो कि परिमेय है, और पाए अपरिमेय, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब परिमेय अपरिमेय आप लोग समझ चुके होंगे, अब हम क्या करेंगे। अब देखिए अपरिमेय यहीं पर क्लोज हो गया, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा, यही पे बंद हुआ। लेकिन रेशनल नंबर परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है, जो ये परिमेय संख्या है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है देखिए भिन्न और दूसरा है पूर्णांक, दो भागों में बांटा गया है। देखिए हम बांट के दिखाते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहने का मतलब पी बाय क्यू, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हम आपको बता चुके हैं अभी। P बाय Q के फॉर्म में लिखा जा सके और Q बराबर जीरो नहीं हो, हर जीरो नहीं, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 22/7 जो भी संख्या है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले एक बात बता देते हैं, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जिनने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया। पहला तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोलते हैं या नॉन इंटीजर बोलते हैं, या तो फ्रैक्शन बोलते हैं या नॉन इंटीजर, हिंदी में भिन्न। भिन्न आप लोगों को पता होगा, जैसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। दूसरा प्रकार क्या है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब पूरा पूरा अंक, मतलब भिन्न में नहीं हो वो पूरा पूरा अंक हो, ठीक है। जैसे
-9, -7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, -36, -99 ये सभी पूर्णांक है और ये भिन्न के रूप में है। भिन्न के रूप में कहने का मतलब अंश बटे हर। देखिए 17/3 है, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर वाले को अंश कहते हैं और ये जो लाइन है इसके नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश बटे हर को ही भिन्न कहा जाता है, ठीक है, अंश बटे हर को ही भिन्न कहा जाता है। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरेटर, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश को न्यूमेरेटर, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। और ये जो है भिन्न का उदाहरण है -5/7, -22/7, -4/3, -17/27, जो चीज अंश बटे हर के रूप में उसको भिन्न बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए भिन्न दो प्रकार का हो सकता है, या तो धनात्मक या ऋणात्मक, कोई भी संख्या दो प्रकार की हो सकती है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। तो भिन्न में भी हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव, जैसे -5/7 नेगेटिव है, 22/7 पॉजिटिव है, इस तरह से हो सकता है भिन्न, ठीक है। भिन्न को हम लोग यहीं क्लोज करेंगे, भिन्न को इससे आगे अभी नहीं बढ़ाएंगे, भिन्न हो गया, यहाँ क्लोज हो गया। अब ये इंटीजर, ये पूर्णांक जो है, ठीक है, इसको बांटा गया है, पूर्णांक को बांटा गया है दो भागों में, पूर्णांक को बांटा गया है दो भागों में। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक जो हो उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया, वो कौन सा भाग है वो देखिए। पहला है निगेटिव इंटीजर और दूसरा है होल नंबर। होल नंबर पहला है निगेटिव इंटीजर, दूसरा है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए इसमें निगेटिव वाला भी था, 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव वाला भी है, 0 वाला भी है, ठीक है। तो इसको जो दो भागों में बांटा गया है, निगेटिव को एक भाग कर लिया गया है और उसके अलावे जो है उसको एक भाग में कर लिया गया है। तो जो निगेटिव बच गया उसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। और निगेटिव के अलावे जो है 0, 1, 2, 3 उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। आइए यहाँ पर फ्रेश फ्रेश लिख के समझाते हैं हम आपको। अब देखिए इंटीजर यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक को बांटा गया है दो भागों में, पहला निगेटिव इंटीजर, दूसरा होल नंबर। निगेटिव इंटीजर और होल नंबर, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और एक बात कि कमेंट में आया था, किसने किया था वो अभी याद नहीं है उसका नाम, लेकिन ये था कि वीडियो जब हम भी बनाते हैं तो उसका कहना था कि लास्ट में आप क्या करिए, कुछ सवाल भी दे दिया कीजिए कि प्रैक्टिस हो जाए। तो आज के वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों के लिए कुछ जो अभी बता रहे हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए दे देंगे, जिसको आप लोगों को बना के उसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। वो वीडियो के लास्ट में देंगे, पहले बता देते हैं, ठीक है। और आपके मन में भी अगर कोई सजेशन है तो वो कमेंट करिए, उस पर हम जरूर पहल करेंगे। अब देखिए इंटीजर यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, इसको दो भागों में बांटा गया। पहला तो निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा होल नंबर। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, और ऋणात्मक मतलब निगेटिव। जो निगेटिव में पूरा पूरा अंक है, निगेटिव हो और भिन्न के रूप में नहीं हो, जैसे -17, -99, -71, -92, -101, -1007, इस तरह से कुछ भी हो इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और होल नंबर किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। पूर्ण संख्या एक समूह है, एक ग्रुप है। किन किन संख्याओं का ग्रुप है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनफाइनाइट तक जाएगी ये। 0 से शुरू करिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इनफाइनाइट तक ये होल नंबर कहलाता है। 0 से शुरू करिए और आगे बढ़ते जाइए, इसी ग्रुप को बोला जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक है। होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसको दो भागों में बांटा गया है, ये जो पूर्ण संख्या है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक 0, 0 और दूसरा नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। देखिए पूर्ण संख्या को दो भागों में बांटा गया है, पहला तो 0 और दूसरा नेचुरल नंबर। देखिए ये जो 0 है इसको एक भाग में रख लेना है, ये 0, और इसके आगे जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, डैश 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 इनफाइनाइट तक,
उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जीरो तो आप लोग समझ गए कि जीरो किसको बोला जाता है, जीरो मतलब शून्य, केवल इसमें शून्य आता है। दूसरा क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक प्राकृत संख्या, और इसको गिनती की संख्या भी बोलते हैं। प्राकृत संख्या भी एक समूह है। ये किस संख्याओं का समूह है, एक से शुरू करिए, इसमें होल नंबर में जीरो से शुरू करते हैं और प्राकृत संख्या में नेचुरल नंबर में एक से शुरू करते हैं। एक से शुरू करिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, जैसे गिनती करते हैं, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। एक से शुरू करिए, इन्फाइनाइट तक जाइए, और नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में अगर आप जीरो लगा दोगे तो वो होल नंबर बन जाएगा। मतलब अगर नेचुरल नंबर में जीरो केवल शामिल कर दो आप, तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। देखिए होल नंबर, और होल नंबर में से जीरो केवल गायब कर दो तो वो नेचुरल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर ये हो गया, जीरो ये हो गया, होल नंबर ये हो गया। आप लोगों को समझ में आया कि कैसे कैसे मैंने इसको बांटा है। अब आपको एक चीज हम और बता दें, अब आप सोचोगे इतना संख्या हम बता दिए हैं, संख्या को इतने भागों में ही बांटा गया है। ठीक है, अब आप कभी 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 ना कभी सुने होंगे भाज्य अभाज्य सम विषम ये कहाँ है, तो देखिए वो बांटा गया है, जो होल नंबर है अपना, होल नंबर इसी को बांटा गया है। जैसे होल नंबर है, इसको सम और विषम में बांट दिया गया है। सम किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसमें दो से भागा लग जाए, होल नंबर को ही बांटा गया है सम और विषम में। तो वैसी संख्या जिसमें दो से भाग लग जाए उसको सम संख्या बोलते हैं, जिसमें दो से भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो देखिए सम संख्या क्या सब हो गया, जीरो दो चार छः आठ दस बारह डस 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 इन्फाइनाइट तक, जीरो दो चार छः आठ, इसमें दो से भागा लग जाता है उसको बोलते हैं सम संख्या, जिसमें दो से भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या, एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह, इसको विषम संख्या बोलते हैं। तो सम विषम हो गया, होल नंबर को ही बांटा गया है, और होल नंबर को ही बांटा गया है भाज्य और अभाज्य संख्या में, भाज्य और अभाज्य संख्या में, भाज्य और अभाज्य। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, पहले अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें केवल दो संख्या से भागा लगे, केवल। देखिए अभाज्य संख्या वो संख्या है, जैसे सत्रह लीजिए, सत्रह एक अभाज्य संख्या है। इसलिए अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें दो, केवल संसार में दो ही ऐसा संख्या है जिससे भागा लग सकता है, वो कौन सा, या तो इसमें आप एक से भागा लगा सकते हो या खुद सत्रह से, इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे सत्रह पूरा पूरा कट जाए। तो वैसी संख्या जिसमें केवल एक और खुद से भाग लगे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें केवल एक और खुद से, जैसे सत्रह की बात कर रहे हैं तो सत्रह से, तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें एक और खुद के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से भागा लगे। जैसे देखिए चार है, तो चार भाज्य संख्या है, चार में एक से भाग लगेगा, चार से भी लगेगा, और एक और चार को छोड़ के कम से कम एक दो से भी भाग लग रहा है, तो इसको भाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक है, इसको भाज्य संख्या बोलते हैं चार को, सत्रह अभाज्य संख्या। अब दो क्या है, दो भी अभाज्य संख्या, क्योंकि दो में एक से भागा लगेगा और दो से भागा लगेगा, और इस दोनों को छोड़ के और किसी से भी भाग इसमें नहीं लग सकता है, इसलिए दो अभाज्य संख्या है। अब एक चीज और ध्यान रखिए आप, एक ये जो है, एक एक जो है ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, इसको आप इस कैटेगरी से अलग रखो। ठीक है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है दो, और दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है, सम संख्या, दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। इसके अलावा आप कोई भी सम संख्या लो, चार छ आठ दस, ये सभी भाज्य है। ठीक है, आज हम भाज्य अभाज्य को उतना डिटेल से नहीं बता रहे हैं, सम विषम तो सब समझता ही है, तो भाज्य अभाज्य कभी और देखेंगे, लेकिन अभी भी हम सब कुछ बता ही दिए आपको, जितना चीज है भाज्य अभाज्य का, और ये नंबर भी कैसे क्या बटा हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपके लिए जो सवाल है वो दे देते हैं। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर देने में कठिन होगा तो आप इतना बता देना, अगर आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी वो बात आप कमेंट में कर देना, या कोई सजेशन हो तो वो। होमवर्क क्या है, इसमें सभी संख्याएं, जितनी संख्याएं मैंने बताया है, वास्तविक काल्पनिक परिमेय अपरिमेय भिन्न पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, इसमें सभी संख्या है। आप लोग ग्रुप बना लेना, मतलब
वास्तविक संख्या लिख देना, उसके नीचे इसमें से जो सब वास्तविक संख्या है उसके नीचे लिख देना, ठीक है। उसके बाद काल्पनिक संख्या लिख के, काल्पनिक संख्या के इसमें से जो सब है चुन चुन के काल्पनिक संख्या के समूह में लिख देना। उसके बाद परिमेय संख्या लिख के, परिमेय संख्या के नीचे जो सब इसमें से परिमेय संख्या है सबको परिमेय संख्या में इसी तरह से बांट देना है। कौन 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 परिमेय है, कौन अपरिमेय है, ये बात आप लोग ध्यान में रख के चुन के लिखना है। अब देखिए चार है तो चार प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या भी है, वास्तविक संख्या है, तो चार सभी ग्रुप में आएगा। मतलब इसमें से जो जो संख्या है जैसे उस हिसाब से देख लेना, जैसे जीरो, जीरो वास्तविक भी है, वास्तविक के बाद परिमेय भी है, परिमेय होने के बाद पूर्णांक भी है, पूर्णांक होने के बाद पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को जीरो को उस सब समूह में रखना है, ठीक है। इस हिसाब से आप देख लो। अब मिलते हैं वीडियो, अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बातें करेंगे इससे आगे, कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर।